नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान, आप देख रहे हैं चैनल डी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक वैद्य जी, जो कि इन दिनों डेंगू प्रकोप जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने एक दवाई बनाई है और आज वो अपनी दवाई के बारे में कुछ बता रहे हैं, जिनको सुनकर के कुछ रोगियों को लाभ मिल सकता है। तो वैद्य जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो चैनल डी चैनल का स्वागत करता हूँ और मेरा नाम भवानी सेन है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वैद्य, आप ये बताइए कि आप कितने सालों से इस प्रकार की दवाइयाँ बना रहे हैं? मैं पिछले 15 सालों से ये दवाई बनाने का काम कर रहा हूँ। वैद्य, आपने ये जो दवाई अभी बनाई है ये किस रोग में लाभकारी है? अब हमने डेंगू का जो बढ़ता हुआ प्रकोप देख के हमने पपीता प्लस 3 बनाया है, जो डेंगू के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भवानी जी, आपने ये जो दवाई बनाई है ये देसी है, एलोपैथिक है या अंग्रेजी है? ये प्योर हर्बल है जी। वैद्य, जैसा कि आपने बताया कि ये दवाई देसी है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कहीं? हजारों आदमियों के ऊपर हमने पिटाया है इस चीज़ को, किसी की कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वैद्य, जैसा कि आपने बताया कि ये जो दवाई आपने बनाई है, अब तक आप कितने रोगियों को ये दवाई दे चुके हैं और उन रोगियों पर इसका क्या असर रहा है? 1000 से 1500 लोगों को दिए हैं, सबके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं इसको। भवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो दवाई है आपकी देसी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से हर्बल है, इस दवाई के और भी कुछ लाभ होंगे? और किस किस तरह के लाभ इस दवाई के लेने से हो सकते हैं? भूख जिनको कम लगती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी किसी की कमज़ोर है, तो सब में ही ये काम करती है। डेंगू रोग के लिए स्पेशल इसको इसीलिए रखा गया है कि डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटें डाउन होती है, और पपीता प्लस 3 नाम इसीलिए रखा है कि कच्चे पपीता वगैरह वगैरह इसमें डाले हुए हैं तो उनसे तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ती है। वैद्य, आपकी ये जो दवाई है ये रोगी को कब दी जानी चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए, 3 से 5 दिन तक तो जरूर देनी चाहिए उनको। भवानी जी, आप ये बताइए कि ये जो दवाई है ये रोगी को कितने दिनों तक दी जाए ताकि उसको पूरा लाभ मिल जाए? कम से कम 10 दिन तक। 10 दिन तक अगर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उनको। और कम से कम 3 से 5 दिन। ठीक है। वैद्य, ये जो दवाई है आपकी, इसका मूल्य कितना है और किसी मरीज को अगर ये दवाई चाहिए तो उसको कहाँ से और कैसे मिल सकती है, कितने दिनों में मिल सकती है? 270 रुपये की दवा है ये, और नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, तो उनसे कांटेक्ट कर लो, जिसको मंगानी होगी वो उसको उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले तो चैनल डी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये अवसर प्रदान किया है, तो मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद वैद्य भवानी सेन जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डेंगू रोग से बचाव के लिए ये जो दवाई बताई है पपीता प्लस 3, और आपने जिस प्रकार से बताया कि ये पूरी तरह से हर्बल है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक हजारों लोग इसको ले चुके हैं, उनको लाभ मिल चुका है। अगर रोगी को 3 से 5 दिन तक इसको दवाई को लगातार दिया जाए तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जिस किसी को भी चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में वैद्य का नंबर दिया गया है, वहाँ से इसको नंबर ले सकते हैं और जो है वैद्य से संपर्क करके दवाई को मंगा सकते हैं। आप अपनी कोई भी राय, कोई भी कमेंट जो है वो बताना चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इससे भी ज़्यादा और अच्छे वीडियो बना सकें। और तब तक आप देखते रहिए लगातार केवल चैनल डी। धन्यवाद।